प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे को नई वीडियो पे। दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ टोयोटा एटियोस लीवा का ड्राइव रिव्यू। दोस्तों दो एटियोस लीवा है मेरे पास, मतलब मेरी फैमिली में दो एटियोस लीवा है दोस्तों। एक चल चुकी है 1,15,000 और ये वाली जो है चल चुकी है 3,000-4,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। दोस्तों एक ये वाली जो मेरी जो है ये 2013 मॉडल है दोस्तों, और दूसरी वाली 2012 मॉडल है, एक साल का डिफरेंस है दोस्तों। दोनों ही गाड़ी दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चल रही हैं, कोई अब तक दिक्कत आई नहीं है। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने सोचा एक ड्राइव रिव्यू बना लेता हूँ, 1,00,000 किलोमीटर चला चुका हूँ तो अपना एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रख देता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि सेकेंड हैंड लेना या फिर नहीं लेना, तो गाड़ी कितनी ड्यूरेबल है और कैसी गाड़ी है इसको बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एसी की कूलिंग वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, इंजन नॉइज़ कैसी है, विजिबिलिटी वगैरह, टर्निंग रेडियस, परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी की दोस्तों, ब्रेकिंग वगैरह और मेंटेनेंस दोस्तों मेरे को कितना क्या इसमें, मतलब हर बार एवरेज सर्विस पे कॉस्ट क्या आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। और दोस्तों गाड़ी को ड्राइव भी करके देखेंगे दोस्तों। मैं पॉइंट ऑफ व्यू POV वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करूँगा आज, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से काफ़ी लोग डिमांड करते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू वाली वीडियो बनाओ। तो दोस्तों इसमें मैं थोड़ा ऑफ रोडिंग करूँगा शुरुआती दौर में, मतलब वीडियो की शुरुआत में। उसके बाद दोस्तों हाईवे पे थोड़ा चला के दिखाऊंगा आपको हाईवे कैसे परफॉर्म करती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले थोड़ा कच्चा रास्ता है, एक तरीके से ऑफ रोड है, तो इसमें चला के देखते हैं गाड़ी को। दोस्तों गाड़ी गड्ढे वगैरह में दोस्तों ऐसे ज़्यादा मतलब आपको महसूस गड्ढे नहीं होंगे, पर हाँ दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सस्पेंशन में नहीं है, बहुत ही ख़राब सस्पेंशन में नहीं है। हालांकि 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी हैं, मैंने इसके अभी तक सस्पेंशन वगैरह कोई काम नहीं कराया है। एक शॉकर जरूर लीक हो गया था, वो मैंने चेंज कराया है इसका। शॉकर दोस्तों मेरे साथ 2,200 रुपये में विद लेबर चार्ज चेंज हो गया था कंपनी से ही। थोड़ा दोस्तों गाड़ी में मतलब बॉडी रोल वगैरह आपको महसूस होगा हल्का सा, जब गाड़ी टर्न वगैरह करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको बॉडी रोल महसूस होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। काफ़ी अच्छी राइड रहेगी, लॉन्ग राइड्स में कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों मेरे को, मैंने काफ़ी लॉन्ग राइड की हुई है। दोस्तों कैमरा जब शेक कर रहा है इस वजह से कर रहा है, तो गड्ढे काफ़ी गहरे गहरे हैं, आपको हो सकता है वीडियो में दिख नहीं रहा होगा कि गड्ढे कितने हैं, पर दोस्तों काफ़ी कच्चा रास्ता है तो उसकी वजह से थोड़े गाड़ी शेक कर रही है। थोड़ा इंजन नॉइज़ दोस्तों गाड़ी में थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कहूँगा मैं। जब आप इसको मतलब अगर खड़ी भी है गाड़ी, अगर आपने जैसे एसी ऑन करके खड़े हो तो भी गाड़ी में काफ़ी इंजन नॉइज़ आती है दोस्तों। इंसुलेशन जो है बहुत कम किया हुआ है, टोयोटा थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसका जो पिकअप वगैरह है वो एक एवरेज गाड़ी के जितना है, मतलब ज़्यादा बेहतरीन भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। और फ्यूल इकोनॉमी बहुत ही ग्रेट है दोस्तों, फ्यूल इकोनॉमी के मामले में गाड़ी बिंदास है, इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं लगती मेरे को फ्यूल इकोनॉमी के मामले में। और मेंटेनेंस भी दोस्तों बिल्कुल नील के बराबर है, 3,500-4,000 के आसपास आपका सर्विस जो नॉर्मल सर्विस होगी उस पर खर्चा आएगा, कोई पार्ट्स वगैरह चेंज होगी थोड़े, हाँ पार्ट्स एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, बाकी कोई ऐसा खास इसमें खर्चा नहीं आता है नॉर्मल सर्विस में। तो 50,000-60,000 तक तो आपको 3,000-4,000 या फिर कभी जैसे शू पैड जो ब्रेक शू रहते हैं वो चेंज होंगे एक बार आपका 50,000 तक, उसका थोड़ा 3,000-4,000 रुपये खर्चा आएगा, बाकी कोई खर्चा नहीं आता इसमें। और दोस्तों पार्ट्स जो ड्यूरेबल बहुत हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, देख पा रहे हो आप दोस्तों 1,00,000 किलोमीटर चल चुके हैं मैंने दोस्तों नॉर्मल सर्विस वगैरह और ब्रेक शू चेंज कराए हैं। शॉकर वगैरह मैंने एक शॉकर चेंज कराया हुआ है, कोई स्टेयरिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वाइब्रेशन वगैरह में कहीं फील नहीं करता बिल्कुल भी। और अब दोस्तों हाईवे पे चला के देखते हैं गाड़ी को, ऑफ रोड में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ थोड़ा सा बम्पर वगैरह काफ़ी अड़ जाता है, बहुत बार आप महसूस करोगे इंजन गार्ड जो इसका अड़ जाता है। दोस्तों पिकअप के मामले में दोस्तों ठीक ठाक गाड़ी है, कोई ज़्यादा भयंकर पिकअप नहीं है, पर हाँ दोस्तों इंजन दोस्तों काफ़ी है गाड़ी के अंदर, जो इंजन है इस गाड़ी के अंदर वो काफ़ी बढ़ के आई हुई है, थोड़ा और इंजन इसका मजा तो बढ़िया रहेगा। ब्रेक्स दोस्तों गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं, स्विफ्ट से अच्छे ब्रेक लगते हैं दोस्तों मेरे को, मैंने स्विफ्ट भी चलाई हुई है वो दोस्तों, हम 80 स्पीड करीब पे हैं और हल्के हल्के ब्रेक्स ले रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल गाड़ी है दोस्तों। ऐसा नहीं कि गाड़ी अपनी जो लाइन है उसको छोड़ रही है या परफेक्ट लेन में चल रही है गाड़ी। तो हाईवे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, 140-145 तक टॉप स्पीड है इसकी। और दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि दोस्तों ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। एक दो बार दोस्तों मैंने इसके टायर वगैरह चेंज कराए हुए हैं, बाकी गाड़ी में ड्राइविंग में दोस्तों विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन मिलेगी आपको, पिलर वगैरह आपके मतलब विजिबिलिटी में कोई बाधा नहीं पहुँचाएंगे। और दोस्तों जैसे गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है, मैं यू टर्न लेके दिखाऊंगा आपको, गाड़ी का जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी अच्छा है, कहीं से भी आप उसको मोड़ तोड़ लो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एसी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसको मतलब गर्मियों में सर्दियों में हर एक मौसम चला के देख रखा है, बारिश के मौसम में, क्योंकि दोस्तों मेरे पास 5 साल हो गए इस गाड़ी को, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई इस गाड़ी के अंदर, एसी परफेक्ट काम कर रहा है। एक बार मैंने गाड़ी के मतलब एसी के मामले कोई खर्चा नहीं करा गाड़ी के ऊपर,
और दोस्तों सीटिंग पोस्चर की बात करें तो थोड़ा सीटिंग पोस्चर बिल्कुल बढ़िया है, थोड़ी सीट और कुछ नहीं हो सकती थी। और दोस्तों ड्राइविंग में जो एक मेजर दिक्कत है वो उसकी क्लच दोस्तों काफ़ी हार्ड है, जब आप गियर शिफ्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब ये तो सब जितने भी टोयोटा एटियोस लीवा ओनर है सब कहते हैं कि भाई इसकी क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है दोस्तों, तो क्लच आपको ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा तंग करेगी, या आप माउंटेंस वगैरह पे हो तो दोस्तों आपको क्लच मेन दिक्कत है इसके अंदर। एक क्लच थोड़ी अगर लाइट कर दे टोयोटा तो गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है हर एक मामले में। और दोस्तों गियर शिफ्टिंग थोड़ी हार्ड है, मतलब इतनी स्मूथ नहीं कहूँगा जितनी बाकी गाड़ियों में है, हालांकि 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है थोड़ी हार्ड तो हो ही जाती है कोई भी गाड़ी हो, पर दोस्तों इसकी थोड़ी सी हार्ड है हल्की सी, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है। और दोस्तों इसका रिवर्स जब गियर लगाते हैं तो उसमें क्लच पूरी प्रेस करके दबानी पड़ती है, वरना दोस्तों कुछ अड़ने की सी आवाज़ आती है बहुत बार मेरे को, वो शायद अभी 20-30 हज़ार किलोमीटर पहले से आने लगी है, तो क्लच थोड़ा टाइट ओवर कराना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रही गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद वीडियो को पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन गाड़ी लगी मेरे को, मतलब बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार एटियोस लीवा को दिया जा सकता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और पिकअप वगैरह दोस्तों एवरेज है, ऐसा नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाड़ी मेरे को लगी। थोड़ा इंजन नॉइज़ वगैरह ज़रूर है, पर वैसे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको, डेली यूज़ के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों, अगर आपकी रनिंग वगैरह ज़्यादा है तो। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।